दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में 3 एक दिवसीय श्रृंखला चल रही है, जिसमें दोस्तों भारतीय टीम ने शुरुआत के 2 वनडे मैच जीतकर यह श्रृंखला अपने नाम कर ली है। अब दोस्तों भारतीय टीम की नजर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाले 3रे 1 दिवसीय मुकाबले में होगी, क्योंकि दोस्तों अगर भारत ये मुकाबला जीत जाता है तो भारत वेस्ट इंडीज की टीम की वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर देगा। और दोस्तों आप ये वीडियो में जानेंगे कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरा मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और क्या रहने वाली है इस मैच में भारतीय खिलाड़ियों की प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों पिछले मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 43 रनों से मैच को जीत लिया था और इस वनडे श्रृंखला को अपने नाम कर लिया, और अब भारतीय टीम की नजर वेस्ट इंडीज की टीम को साफ करने पर है। इसके लिए हमें ये तीसरा वनडे मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में तीसरे वनडे मैच के लिए क्या हो सकती है प्लेइंग 11। तो दोस्तों अगर बात करें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की, तो इसमें सबसे पहला नाम रखा है रोहित शर्मा और केएल राहुल का, और जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छा खेल दिखाया था और इन दोनों बल्लेबाजों ने कैसे वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की ताबड़तोड़ धुनाई की। और दोस्तों केएल राहुल ने शानदार 49 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 237 रनों के स्कोर पर पहुंच पाई। दोस्तों हमने अपनी टीम में रोहित शर्मा को बतौर कप्तान रखा है, क्योंकि इस साल वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा के पास बहुत अच्छी फॉर्म है। और इसके बाद अगले खिलाड़ी की बात करें तो दोस्तों वो हैं भारत के भूतपूर्व कप्तान विराट कोहली। दोस्तों पिछले मैच में विराट कोहली ने 18 रनों की छोटी सी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली। दोस्तों ये अलग बात है कि विराट कोहली पिछले कुछ पारियों में अपनी बल्लेबाजी से संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन हमें इस मैच में विराट कोहली से शतक बनाने की उम्मीद है। तो इसके बाद हमने अपनी टीम में रखा है ऋषभ पंत को। दोस्तों ऋषभ पंत भारत के लिए विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी करते हैं और इसमें उनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहता है। ऋषभ पंत ने पिछले मैच में भी टीम के लिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और इसीलिए दोस्तों हमें ऋषभ पंत को अपनी टीम में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी टीम में रखा है 2 युवा बल्लेबाजों को, जिनका नाम है सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा। दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी लगातार अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और टीम को जीत दिला रहे हैं। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने तो फिलहाल मैच में ताबड़तोड़ 64 रन बनाए और अपना निजी वनडे में सर्वाधिक स्कोर भी बनाया। इसके बाद दोस्तों हमने अपनी टीम में रखा है यजुवेंद्र चहल और अक्षर पटेल को, और आपने देखा ही होगा कि कैसे यजुवेंद्र चहल वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजों को एक एक करके दुरुस्त करते हैं और उनका विकेट चटकाए थे। दोस्तों हमने अक्षर पटेल को भी अपनी टीम में शामिल किया है, क्योंकि अक्षर पटेल बहुत ही काबिल गेंदबाज हैं और वो बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी भी करते हैं। इसके बाद अगर हम तेज गेंदबाजी की बात करें तो हमने अपनी टीम में शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज को रखा है। दोस्तों ये तीनों ही गेंदबाज बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और अपने पिछले मैच में देखा होगा आपने कि प्रसिद्ध कृष्णा ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम के 4 विकेट ले लिए थे। दोस्तों ये पहले ऐसे युवा खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने वनडे करियर की शुरुआत में ही 4 विकेट लेने का कारनामा किया। और दोस्तों इसके अलावा मोहम्मद सिराज भी बहुत ही शानदार फॉर्म में हैं और इसीलिए हमने इनको टीम में शामिल किया। तो दोस्तों ये थी भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाले 3रे 1 दिवसीय मैच के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11। दोस्तों ये मैच आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 1 बजे से देख पाएंगे। दोस्तों इसके प्रसारण की बात करें तो आप इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पर लाइव देख सकते हैं। दोस्तों टीम इंडिया के गेंदबाजों ने 3रे 1 दिवसीय मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज को महज 193 रनों पर ही ऑल आउट करके भारतीय टीम को 44 रनों से एक शानदार जीत दिलाई, जिसमें सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 सफलताएं अपने नाम की, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 3 मुकाबलों की 1 दिवसीय श्रृंखला पर अपना कब्जा जमा लिया है। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं 2रे 1 दिवसीय मुकाबलों की पूरी हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में से शानदार कप्तान कौन है, आप अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों ने हमेशा की तरह एक बार फिर से लाजवाब खेल दिखाते हुए वेस्ट इंडीज को 2रे मुकाबले में भी ऑल आउट करके 44 रनों की एक शानदार जीत दिलाई है। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 2रे मुकाबले में भी एक बार फिर से बेहतरीन कप्तानी करते हुए हर मोर्चे पर शानदार तरीके से टीम इंडिया की बागडोर संभाली है, जिसकी बदौलत अब टीम इंडिया 3 मुकाबलों की 1 दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा के साथ आज के मुकाबलों में ऋषभ पंत ओपनिंग करने आए थे और सभी प्रशंसकों को उम्मीद थी कि ये दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया को एक धमाकेदार शुरुआत
जवाब देंगे। लेकिन अपने दूसरे ही ओवर में वेस्टइंडीज के बेहतरीन तेज गेंदबाज केमार रोच ने रोहित शर्मा को पवेलियन की राह दिखाकर टीम इंडिया को एक जबरदस्त झटका दिया। इसके बाद जल्दी जल्दी 3 विकेट गंवाकर भारतीय टीम मुश्किलों में फंस गई। लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव और भारत के उपकप्तान केएल राहुल ने बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम को 150 रनों तक पहुंचाया, जिसमें भारत के उपकप्तान केएल राहुल ने 48 गेंदों में 49 रन बनाए, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के मध्यक्रम की समस्या को खत्म करते हुए बेहतरीन 64 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके भी लगाए और उनको दीपक हुड्डा का भी बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने 25 गेंदों में शानदार 29 रन बनाए। हालांकि शार्दुल ठाकुर के जल्द आउट हो जाने के बाद अंत के ओवरों में युजवेंद्र चहल ने बल्लेबाजी में अच्छा हाथ दिखाते हुए टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने महत्वपूर्ण पारी खेलकर टीम इंडिया को 337 रनों तक पहुंचाया। वहीं वेस्टइंडीज की तरफ ऑडिन स्मिथ और अल्जरी जोसेफ ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2-2 सफलताएं अपने नाम की। दोस्तों, इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने अपनी टीम को दमदार शुरुआत दिलाते हुए 7 ओवरों में बिना किसी नुकसान के स्कोर 30 रनों के पार पहुंचा दिया और ऐसा लगने लगा कि टीम इंडिया इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा ने गेंद प्रसिद्ध कृष्णा के हाथ में थमाई और उन्होंने अपनी कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए खतरनाक लय में नजर आ रहे वेस्टइंडीज के ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग को पवेलियन की राह दिखाकर भारतीय टीम की इस मुकाबले में वापसी कराई। इसके बाद उन्होंने कैरिबियाई टीम को वापस आने ही नहीं दिया और उन्होंने अपने अगले ओवर में एक बार फिर से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए डैरन ब्रावो को भी पवेलियन की राह दिखाई। वहीं युजवेंद्र चहल ने भी उनका बखूबी साथ निभाते हुए कैरेबियन टीम को 3रा झटका दिया। बता दें कि इस मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने 4 कैरेबियाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन किंग, डैरन ब्रावो, निकोलस पूरन और केमार रोच जैसे बल्लेबाज शामिल थे। उन्होंने अकेले के दम पर कैरेबियाई बल्लेबाज क्रम की कमर तोड़ दी थी। वहीं दूसरे छोर से उन्हें मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, दीपक हुड्डा और युजवेंद्र चहल का भी बखूबी साथ मिला और इन सारे ही गेंदबाजों ने इस मुकाबले में सफलताएं हासिल की। प्रसिद्ध कृष्णा के बाद शार्दुल ठाकुर ने भी 2 कैरेबियाई बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया। शार्दुल ठाकुर को साझेदारी तोड़ने में महारत हासिल है और उन्होंने इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जैसन होल्डर को पवेलियन की राह दिखाकर एक बार फिर से इसे साबित कर दिया। इसके बाद खतरनाक लय में नजर आ रहे अकेले हुसैन को विकेट के पीछे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराकर भारतीय टीम को लगभग जीत के दरवाजे पर ला खड़ा किया। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने स्मिथ को विराट कोहली के हाथों कैच आउट कराकर कैरिबियाई टीम की उम्मीदें खत्म कर दी। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने केमार रोच को LBW आउट करके कैरिबियाई टीम को महज 193 रनों पर समेटने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके द्वारा किए गए इस प्रदर्शन से टीम इंडिया ने इस मुकाबले को 44 रनों से अपने नाम किया। दोस्तों, प्रसिद्ध कृष्णा ने इस मुकाबले में 9 ओवरों में महज 12 रन देकर 4 सफलताएं अपने नाम की और उन्होंने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी में भी आज के मुकाबले में ही की, वो भी दूसरे छोर से उनको बाकी के गेंदबाजों का बखूबी साथ मिला। अब टीम इंडिया का लक्ष्य तीसरे मुकाबले को जीतकर कैरिबियाई टीम का सूपड़ा साफ करना होगा और टीम इंडिया के खिलाड़ियों के शानदार फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम क्लीन स्वीप करके इसमें सफल हो पाएगी। वहीं ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को आराम दिया जाता है या प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा तीसरे मुकाबले में शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, 3 मुकाबलों की एक दिवसीय श्रृंखला में टीम इंडिया इस समय 1-0 से आगे चल रही है और नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा दूसरा एक दिवसीय मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां शुरुआत में टीम इंडिया जल्दी जल्दी विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंसी हुई थी, तो वहीं इसके बाद केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने मध्यक्रम की समस्या को सुलझाते हुए टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया है। दोस्तों, कायरन पोलार्ड के अनफिट होने के कारण वेस्टइंडीज के नए कप्तान निकोलस पूरन ने टॉस जीतकर भारतीय
भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि अहमदाबाद के इस पिच पर शुरुआत में काफी नमी दिख रही थी, जिससे तेज गेंदबाजों को थोड़ा बहुत मदद भी मिलने की उम्मीद थी, और ऐसा हुआ भी। बता दें कि भारत की नई ओपनिंग जोड़ी कप्तान रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने शुरुआत में टीम इंडिया को सकारात्मक शुरुआत दिलाने की कोशिश की, जहां इन दोनों ही बल्लेबाजों ने केमार रोच के पहले ओवर में 5 रन जरूर बनाए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज रोच की गेंद पर नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे थे। और वहीं कैरिबियाई गेंदबाज नमी का फायदा उठाते हुए शुरुआत में शानदार गेंदबाजी की। इसके बाद दूसरे ओवर में पहले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करने वाले औजारी जोसेफ ने इस मुकाबले में भी शानदार लय में गेंदबाजी करते हुए नजर आए।